घर की इस दिशा में पौधे रखने से होती है आर्थिक तंगी, रखें इन बातों का ध्यान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके में, जिसमें हम सभी धर्मों से जुड़ी बहुत ही रोचक और भाग्यशाली टोटके आप सभी तक अनोखे और सरल तरीके से पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में सभी दिशाओं का अपना एक अलग महत्व होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा को नक्षत्रीय दिशा भी कहते हैं। साउथ वेस्ट दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की दरवाजे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। गृह स्वामी का कमरा इस दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा कैश काउंटर, मशीनें आदि आप दक्षिण पश्चिमी दिशा में रख सकते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में इस दिशा में पौधे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं दक्षिण पश्चिमी दिशा से जुड़ी कुछ खास बातें। घर की दक्षिण पश्चिमी दिशा में हरे पौधे नहीं रखने चाहिए। एक तो इस दिशा में सूर्य की पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पाती और दूसरा वास्तु की दृष्टि से पौधों के लिए ये जगह अशुभ मानी जाती है। दक्षिण पश्चिमी दिशा में पौधे रखने से घर में आर्थिक परेशानी होती है। घर के दक्षिण पश्चिमी कोने को भारी और भरा हुआ रखना चाहिए, जिससे राहु ग्रह शांत रहे। दोस्तों, इस दिशा में शौचालय होने से पितृदोष भी माना जाता है। राहु और पितृदोष के कारण ऐसे घरों में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा रहती है। दोस्तों, ईश्वरीय शक्ति ईशान कोण से प्रवेश करती है और नक्षत्र कोण पश्चिम दक्षिणी से बाहर निकलती है और घर के दक्षिणी पश्चिम दिशा में स्टोर रूम और ग्रह स्वामी का कमरा बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस दिशा को पितरों का स्थान भी माना जाता है। अगर दक्षिण पश्चिमी दिशा में खिड़की और दरवाजे हैं तो हनुमान जी की मूर्ति इस तरह लगाएं कि उनकी दृष्टि दक्षिण की दिशा में रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके को और अपने विचार हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताकर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम तुरंत हाजिर होंगे एक अनोखे भाग्यशाली टोटके से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।